Hey guys, welcome back to my channel Home Remedies Beauty. I am Sana. मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ बहुत ही इजी रेमेडी जो है मिल्क क्लींजिंग. मिल्क से कैसे क्लींजिंग होती है. मिल्क हमारे फेस के लिए बहुत ज्यादा इफेक्ट है, आप सभी जानते होंगे, लेकिन कैसे क्लीन करता है, कैसे क्लींजिंग होता है, ये आज मैं आपको बताऊंगी जो आपके फेस के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है. कच्चा मिल्क हमें कच्चा मिल्क चाहिए, उबाला हुआ नहीं चाहिए. आप सभी जानते होंगे कच्चा मिल्क हमारे फेस में कितना इफेक्टिव होता है हमारे फेस के लिए. इसमें लैक्टिक एसिड होता है जो हमारे जितने भी दाग धब्बे हैं, जितने भी डर्ट फेस के अंदर, स्किन के अंदर हमें घुसे हुए हैं, वो सब बाहर आ जाएंगे क्लींजिंग के द्वारा. तो आज मैं आपको बताऊंगी कैसे क्लींजिंग होता है, कैसे फेस को मिल्क से क्लीन करते हैं. तो चलिए देखते हैं क्या है. लेट्स स्टार्टेड. क्लींजिंग बनाने के लिए हम सबसे पहले 1 स्पून हम कच्चा दूध ले लेंगे, ऐड कर लेंगे, और 1/2 स्पून एलोवेरा जेल. हमें एलोवेरा जेल प्लांट से नहीं निकाल के लेना है, हमें मार्केट का ही लेना है. अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. पूरी तरीके से इसे मिक्स करना है. ये आपका बहुत ही अच्छा क्लींजिंग बन जाएगा. देख सकते हैं आप, ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा लिक्विड. अब इसे फेस पे अप्लाई करना है. तो मैंने ये रेमेडी कर लिया है. अब एक कॉटन बाउल या कॉटन पैड ले लेंगे. अब इसे डब करके इसे फेस पे अच्छे से क्लीन करना है. जितनी भी अंदर में स्किन के गंदगी है सब बाहर आ जाएगी. आपके स्किन के जितने भी दाग धब्बे हैं सब बाहर निकल के आ जाएंगे. ये क्लींजिंग सबसे बेस्ट माना जाता है, रॉ मिल्क क्लींजिंग. ऐसे करने से जो कॉटन में फेस में जितनी भी गंदगी है, दर्द है, ये सब कॉटन में आ जाएगी. सी गाइस, अच्छे से क्लीन कर लेंगे. ये रेमेडी आप रात में सोने से पहले कर सकते हैं या मॉर्निंग में आप कर सकते हैं. किसी भी वक्त आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस आपको फेस को क्लीन करना है. ज़्यादातर आप तब करें जब बाहर से आप आ रहे हैं. बाहर से आते हैं हमारे स्किन में बहुत सारी गंदगी निकल घुस जाती है, जो बहुत उसके बाद पिंपल्स निकल जाते हैं. तो उसे आप आने के बाद यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा. गाइस, मेरे फेस की डर्ट निकल गई है. तो इस तरीके से क्लींजिंग करेंगे. अब हम इसके बाद फेस मास्क बनाएंगे, फेस पैक. जो कैसे बनाते हैं देखते हैं. लेट्स स्टार्टेड. फेस पैक बनाने के लिए हम 1 स्पून गेहूं का आटा लेंगे. हमें गेहूं का आटा ही लेना है, और थोड़ा सा स्पिंच हल्दी लेंगे हम. ऑप्शनल है हल्दी, आप ले भी सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद है तो. 1 स्पून हम मिल्क ले लेंगे. 2 स्पून मैं ले रही हूँ. इसे अच्छे से मिक्स करना है. अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. देख सकते हैं फ्रेंड, ये कुछ इस तरह का पेस्ट होगा. गेहूं का आटा हमारे स्किन को लाइटनिंग करने में बहुत हेल्प करता है, और साथ ही हल्दी भी है. हल्दी आप सभी जानते हैं स्किन को लाइटनिंग करने में, जितने भी पिंपल्स हैं, दाग धब्बे हैं पिंपल्स के, इसको रिमूव करता है अच्छे से. ये दो अच्छा मिक्स हो गया. और मिल्क तो आप सभी जानते हैं, कच्चा मिल्क जैसे कि मैंने अभी बताया आपको हमारे फेस के लिए कितना इफेक्टिव है. इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फेस पे अप्लाई करेंगे. फ्रेंड्स, मैंने ये बना लिया है. अब इसे फेस पे अप्लाई करेंगे क्लींजिंग के बाद. गेहूं का आटा आपके फेस को लाइट करने में बहुत इफेक्टिव होता है, तो इसे गेहूं का आटा ही हमें लेना है. ये हमें 10 मिनट्स तक रखना है. 10 मिनट के बाद आप फेस वॉश कर सकते हैं.
मैंने अप्लाई कर लिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। अब इसे 10 मिनट तक रखना है, 10 मिनट के बाद फेस वॉश कर लेना है। तो 10 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड मैंने फेस वॉश कर लिया है, सी गाइस मेरे नोज कितने ग्लो कर रहे हैं। मैंने फेस क्लीन किया, मेरे फेस पे दर्द था, मैं मार्केट से आई थी तो सोचा मैंने क्लींजिंग करने जा रही हूँ तो सोचा कि वीडियो बना दूँ, आप लोग को दिखा दूँ कि मिल्क से कैसे क्लीन किया जाता है, क्लींजिंग होता है। तो आपने देखा कि मेरे फेस में कितना गंदा निकला है। तो फ्रेंड देख सकते हैं मेरा फेस कितना साफ कितना क्लीन लग रहा है। आपको कच्चा दूध ही लेना है, पका हुआ उबला हुआ आपको नहीं लेना है। कच्चा दूध आपके फेस में बहुत ज़्यादा मतलब जितनी भी गंदगी सबको बाहर निकालेगा। लैक्टिक एसिड होता है जो आपके जितने भी पिंपल्स के दाग धब्बे हैं सबको रिमूव करेगा, इजीली रिमूव करने में ये बहुत मिल्क हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स आपको ये रेमेडी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब के बगल में एक छोटा सा घंटी होगा जो आप उसे प्रेस कीजिएगा तो आपके पास जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। आप ये रेमेडी ज़रूर देखते रहिए, मेरा चैनल ज़रूर देखते रहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ दूसरों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये रेमेडी देखने को मिले, ट्राई करने को मिले। तो हम चलते हैं, फिर मिलेंगे एक न्यू रेमेडी। बाय बाय, गुड नाइट, लव यू स्वीट।